अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? और मुझे आए हुए 3 दिन हो गए लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया अभी तक बिल्कुल भी। सो अभी मैं जस्ट चाय दे के आई थी मम्मी पापा को, अब मेरी भी चाय ली थी, चाय पी और थोड़ा फ्रेशन अप हुआ है और अब जाके वापस से चाय बनानी, क्योंकि कामिल वगैरह आने वाले हैं ऑफिस से, तो उनके लिए चाय बनानी है और जाके खाने की तैयारी करनी शाम के, थोड़ा सफाई वफाई भी करनी है। और अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ क्योंकि भाभी जो है वो चूरू गई हुई है, वो भी शॉपिंग करने गई हुई है अपनी। हालांकि मेरे आने के बाद जाने वाले थे लेकिन मुझे आते आते लेट हो गया था, तो उनको भी जाना था क्योंकि भाई साहब आने वाले हैं 2 तारीख को और उससे पहले पहले वो शॉपिंग करके आना चाहते हैं, तो वो आने वाले हैं 2 दिन बाद और भाई साहब आने वाले हैं 2 तारीख को सऊदी से। सो इस वजह से भी जो है मुझे फटाफट से जाके अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी जो शाम तक खाना जो है बन के तैयार हो जाए। चलिए फिर चलते हैं किचन में और उनको चाय देते हैं, फिर उसके बाद जो है खाने की तैयारी करते हैं शाम के। शैतान का नाम नहीं और शैतान आ जाए। लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे ब्लॉग पे कि कामिल आप शॉपिंग करते रहते, कामिल भी आकर शॉपिंग करा देनी। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, देखो ये पूरा बेड भरा पड़ा है मेरे कोट से, ये अलमीरा भरी पड़ी है। सच ये है कि ये पहनते नहीं है, पहनता नहीं हूँ, इनको बस जो कम्फर्टेबल लगता है ना बस। इतने लोग मुझे वो मोक्ष प्राप्त हो गए, मैंने इतने डिजाइनर्स के कपड़े पहने, इतने कपड़े पहने, तो मुझे जो कम्फर्टेबल लगता है वो कपड़ा पहन लेता हूँ। और ससुराल और अपना घर क्या है, एक ही घर ही है, वो भी घर। लोग मुझे कहते हैं आप यार शॉपिंग करते हैं, आप शॉपिंग कराते हैं। लड़कियों को क्या होता है, शॉपिंग का शौक होता है तो उनको शौक है, लड़कों को नहीं होता है। हम वो लोग हैं जो एमआरपी देख के शर्ट को छोड़ देते हैं। सही बात है। और लड़कियों का ना ससुराल में तैयार व्यार होके रहना पड़ता है, इसलिए भी शॉपिंग करनी होती है, मजबूरी होती है हमारी भी, हमें भी शौक नहीं शॉपिंग वॉपिंग करने का। चलो भाई भाई करते हैं, अभी हम जाएंगे। चलो जाओ निकल कर फिलहाल। हाँ ला रही हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। गोभी उबले फ्राई करेंगे, आलू फ्राई करेंगे, उसके बाद आज मैं हलवाई स्टाइल गोभी आलू फ्राई करेंगे। ये कहाँ से सीखी आपने? ध्यान से फिर टकरा जाओगे दीवार पे, ध्यान से सामने। कई ऐसी चीजें टकरा चुके हैं मुझे छोटे बच्चे के ऊपर। सो द थिंग इज कि आज कामिल जो है गोभी की सब्जी बनाने वाले हैं, पहले मैं बनाने वाली थी, उन्होंने कहा नहीं मैं स्पेशल तरीके से बनाऊंगा जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी, तो वो बनाने वाले हैं, तो मुझे चॉपिंग करनी है सारी सब्जियाँ, उन्होंने बताया जैसे। और फिर कैसे बनाते हैं ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और कैसी बनती है ये रिव्यू दूंगी, उसके बाद आप लोग ट्राई कर लेना वो सब्जी, ठीक है? आलू पतले पतले करने ना। पतला मतलब चिप्स आ रही हो भाई। चिप्स किसी चिप्स आ रहा है। कौन नहीं मामा? फ्राई करूँ आलू पतले। लो बताओ। जनाब के पास टाइम नहीं है तो वो ब्लॉगिंग नहीं करेंगे आज से? नहीं नहीं आज ऐसे नहीं काम, बोला अभी मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा। अभी नहीं करोगे, बाद में करोगे? बाद में बात करने, किसने देखा बाद में? ये रोज हेल्प नहीं कराते हो, आज ही ब्लॉग बना रही हूँ और आज ही हेल्प करवा रही हूँ। रोज करवाता हूँ, अब झूठ तो मैं कैसे भी होगा। तो यहाँ 4 टमाटर मैंने चॉप किए हैं, 3-4 हरी मिर्ची और ये प्याज को यहाँ पे 4-5 ऐसे काटे हैं और 1-4-5 ऐसे हैं। ये जो फ्राई कर रहे हैं हाँ बेटा, हैं क्या कर रहे हो? हलवाई स्टाइल आलू गोभी, क्या मतलब? रेसिपी तो शेयर की नहीं। हम बताएंगे रेसिपी, हम बताएंगे, ये बड़ी सीक्रेट रेसिपी है। देखो कलर, देखो मसाले का कलर, देखो बेकार बनी नहीं तो क्या कलर बेकार बनी क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो नियत की बरकत होती है तो हम मैं रेसिपी रिकॉर्ड करने वाली थी लेकिन हमारा थोड़ा बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया छोटा सा, उसकी वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया।
और अब थोड़ा सा वापस पैचअप हो गया है, तो मैं बाकी की सब्जी जो है लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि बन गई ऑलरेडी। दिखने में तो ठीक ही लग रही है, इतनी खास नहीं लग रही है। कारनामा करके लिया है। कैसे थोड़ा सा थोड़ा कैसे बेटा ऐसे नहीं हिलाते, वो उसका कचरा हो जाता है, धीरे धीरे हिलाते नहीं होगा। होगा रे, आपको मैंने सिखाया। Have you forgotten that? कुछ भी I am a कुछ भी understand? कुछ भी बोलोगे आप भी मैंने ये आपकी मैंने वो सब्जी खाई मैं क्या तारीफ करूँ जाने। हेलो वो तो मैं कुकिंग करती ही मुझे बिल्कुल सच वो ये सच हल्का सा नमक कम हल्का सा ज्यादा में डाला है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, हस्बैंड को कुकिंग आनी चाहिए। क्या हस्बैंड को कुकिंग आती है तो आपका फायदा हो जाता है कि हफ्ते में एक बार ही कुकिंग कर देते हैं और आप थोड़ा सा फ्री रहते हैं। वैसे तो इन्होंने कुकिंग की लेकिन चॉपिंग वगैरह सब जो है इन्होंने मुझसे करवाई है, तो सिर्फ मसाला वसाला डाले उन्होंने और थोड़ी सी सब्जियां जो फ्राई की है बस उनकी, बाकी जो सारा चॉपिंग करवाया उसके चक्कर में मेरी रोटी लेट हो गई। अरे मैं दे रही हूँ बाबा ये इंसान आज एक दिन सब्जी बना के मुझसे 50 बार पूछ चुका है कैसी थी सब्जी। आज ये नई रेसिपी मैंने बनाई थी। सब्जी खाई कैसी थी सोनाड़ी, कैसी थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी सब्जी थी। जिसकी रेसिपी हम लोगों ने चाह कर भी शेयर नहीं की, बहुत बढ़िया रेसिपी थी। जिसको सब्जी को बनाने में हम लोगों ने दुनिया भर के जाननी है तो कमेंट करें। जिसकी जो सब्जी बनाते हो हमने 50 बार गोभी अभी चली है, जो सब्जी बनाते हो हमने 10 बार झगड़ा किया, 10 बार तो नहीं एक बार झगड़ा किया लेकिन थोड़ा सा बड़ा लंबा चल गया थोड़ा सा। बैठो खड़ा हो जा, पूरा खड़ा हो जा, पूरा खड़ा हो, पूरा खड़ा हो, नहीं नहीं पूरा खड़ा हो, पूरा खड़ा हो। 1 2 हो गया डिश, हो गया डिश, अब जा गिर जा। बदमाश डिश 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 dish 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 इनका ऐसे दूध चलेगा, मैं दूध लेके आ जाती हूँ उनका।